विल ट्रेड सर्च किया, विल ट्रेड 7 ऐप है ये, इसको ओपन करता हूँ। ओपन हो रही है, अब बीच में ये ट्रेडिंग ट्यूटोरियल दिखा रहा है। मैं माय अकाउंट में जाता हूँ, रजिस्टर करना है, रजिस्टर पे क्लिक किया, ऊपर राइट साइड में रजिस्टर आ रहा है, नीचे भी रजिस्टर आ रहा है। मैंने ऊपर वाले पे क्लिक किया, दोबारा से नीचे भी किया था पहले, अभी मैं इसमें मेल डाल देता हूँ, नीचे पासवर्ड बना लेता हूँ, अब इसको रजिस्टर करता हूँ। रजिस्टर करने के बाद ये देखिए आ रहा है, यहाँ पासवर्ड लिखा रहा है, यहाँ पे +91 कंट्री कोड लिखा रहा है, नीचे रेफरल कोड आ रहा है, मैं रेफरल कोड डाल देता हूँ 5517687, ये रेफरल कोड है मेरा। मैं इसको अभी सबमिट करूँगा, लेकिन पहले देखिए यू कैन चेंज कंट्री एरिया लेटर, आप जो कंट्री एरिया है उसको चेंज नहीं कर सकती दोबारा, तो जो है वो वहीं का वहीं इंडिया है तो इंडिया रहने दीजिए। उसके बाद मैं अभी होम स्क्रीन पर आया हूँ, फिर अभी दोबारा से माई अकाउंट में जाता हूँ। माई अकाउंट में जाने के बाद उसको लॉगआउट मैंने किया, लॉगआउट करने के बाद दोबारा से मैं अपने रियल अकाउंट में आपको बना के दिखाता हूँ कैसे आपको रजिस्टर करना है। ये तो मैंने आपको सिर्फ रेफरल कोड के लिए बताया था, अब मैंने रियल अकाउंट गूगल पे क्लिक करके रियल अकाउंट में आ गया मैं, और ये $15 का जो है ना आपको कूपन मिला है, इसको बाद में चेक कर लेंगे अभी। और मैं इसमें माय अकाउंट में जाता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या करना है। देखिए आ रहा है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, इसमें यहाँ पे +91 कंट्री कोड लगेगा, आईडी टाइप रहेगा, आईडी टाइप में आईडी कार्ड और पासपोर्ट रहेगा। मैंने आईडी कार्ड पर क्लिक करके यहाँ पे अपना रियल नेम डाल देता हूँ, रियल नेम मैंने डाल दिया नीचे। इसके बाद आईडी कार्ड डाल देता हूँ, आईडी कार्ड जो रहेगा हमारा, जो आईडी कार्ड का नाम रहेगा वो डालना है, तो मैं यहाँ पे मैंने आईडी कार्ड का नाम मैं भर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ, अब वेरीफाई करते हैं बैंक अकाउंट में। मैं पेटीएम का बैंक डालूंगा, पेटीएम बैंक में ये रहता है कि फ़ायदा रहता है, जीरो बैलेंस का खाता रहता है, जो भी पैसा रहता है उसमें डिडक्ट नहीं होता, तो मैंने यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया है, नीचे IFSC कोड डाल देता हूँ पेटीएम का, ये सिंपल भी रहता है, हमारा मोबाइल नंबर ही रहता है अपना, तो मैं पेटीएम का मैंने IFSC कोड डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ, कन्फर्म करता हूँ, कन्फर्म ये कुछ एरर आ रहा है, फिर दोबारा से सबमिट करता हूँ, देखता हूँ क्या एरर आ रहा है। सबमिट पे क्लिक किया, सभी चीज़ तो डिसअपीयर, @gmail, जीमेल तो मेरी जीमेल, सॉरी मैंने आधार आईडी कार्ड में आधार कार्ड लिखा है, यहाँ पे मुझे अपना जो नाम है वही डालना होगा आईडी कार्ड में, तो ये सेम सेम रहेगा तो फिर आपको नेक्स्ट हो जाएगा, तो मैंने ये गलत कर दिया था। मैं आईडी कार्ड में अपना नाम सबमिट कर देता हूँ, अभी कन्फर्म करता हूँ, कंफर्म किया मैंने और आई अंडरस्टैंड एक्चुअली सबमिट हो गया है वेरिफिकेशन, आई अंडरस्टैंड। देखिए 100 कॉइन मिलेंगे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के, और वेरीफाई फोन नंबर के भी 100 कॉइन मिलेंगे। इस 100 कॉइन क्या रहता है, इसमें माइनिंग रहती है कॉइन्स की। अभी मैं वेरीफाई मेल कर देता हूँ, मेल पे मेरा ये OTP आ चुका है, सेंड किया था मैंने 150757, सबमिट हो गया, वेरीफिकेशन सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे अपना नंबर दोबारा वेरीफाई कर देता हूँ, मैंने वेरीफाई नहीं किया था, एक कोड मैंने भेजा है, कोड आ चुका है, ये मैंने कोड कॉपी कर लिया और यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, दोनों चीज़ हो चुकी हैं, वेरीफाई फेसबुक, मेरे पास फेसबुक मैं यूज़ नहीं करता, तो अभी मैं दोबारा से वेरिफिकेशन पे जाता हूँ। देखिए सभी चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक दोबारा से हम चेंज भी कर सकते हैं, कोई और सा बैंक डाल सकते हैं, ये नहीं है कि एक बार जो हो गया। अभी कूपन में मैं आया, कूपन में मैंने देख लिया है ये लॉस कैशबैक के हैं कूपन है, डिस्कवर में जाते हैं, ओके आई अंडरस्टैंड। अभी मेरे पास डिस्कवर में आने के बाद मैं होम स्क्रीन पर आया हूँ, देखिए मैंने ये जो कॉइन थे क्लेम कर लिए हैं, अभी ट्रेडिंग कॉइन का 50 रह रहे हैं, ट्रेड करूँगा मैं डेमो अकाउंट में, आपको डेमो अकाउंट दिखा देता हूँ कैसे क्या चलाना है इसमें। ये पॉपुलर एसेट्स आ रहे हैं, यूरो यूरो निफ्टी यूटी सोयल पॉपुलर आ रहे हैं इधर, और पॉपुलर आने के बाद मैं इधर माई अकाउंट में जाता हूँ। माई अकाउंट में आने के बाद मैं दोबारा से इसमें ये मैंने जेंडर नहीं भरा था, जेंडर भर लेता हूँ, मेल है मेरी एज जो है ना वो मैं एज भर लेता हूँ, इसको पूरा कन्फर्म ओके कर देता हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है। अभी सक्सेसफुल हो चुका है, अभी इसमें हम क्या है कि देखते हैं ये रियल है, ये पोजीशन आ रही है, यहाँ पे रियल अकाउंट आ रहे हैं, मार्केट्स है, मार्केट में इंडेक्सेस दिखा रहे हैं, हॉट आ गया, फोरेक्स में यू सभी चीज़ आ गई हैं, क्रिप्टो में क्रिप्टो करेंसी आ गई है, मेटल्स में मेटल आ गए हैं, इंडेक्सेस में निफ्टी 50, हमारे इंडिया का निफ्टी 50 आ रहा है, बाकी ये डेक्स आ रहा है, ये स्टॉक्स में एप्पल क्या आ रहा है, टेस्ला का स्टॉक्स आ रहे हैं, दो ही स्टॉक आ रहे हैं फिलहाल, तो स्टॉक एसेट्स तो सभी अच्छे अच्छे रखे हुए हैं। गेनर दिखा रहा है इधर, मैं इधर होम स्क्रीन पे आया हूँ, पॉपुलर के बराबर में गेनर है। इसके बाद ये लूज़र हैं, लूज़र में जो अभी लॉस में चल रहे हैं लूज़र हैं, गेनर में जो गेन कर रहे हैं वो गेनर हैं, ये 2400 का प्रॉफिट दिखा रहा है इसके बराबर में। अब मैं डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग करता हूँ, मैंने गो किया, गो करने के बाद आगे आया, आगे आने के बाद मैं इसको नीचे गो टू ट्रेड करता हूँ, गेटिंग यस, मुझे 2000 डेमो फंड्स चाहिए, तो इसको गेटिंग कर देते हैं। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट मांग रहा है, नेक्स्ट करने के बाद ETC USDT में मैं आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट किया, ठीक है, यहाँ से सेल करना है, इधर से बाय करना है, ये लॉट साइज दिखा रहा है कितने हमको लेने हैं, 0.02 मैं लॉट साइज ले लूँगा।
नेक्स्ट करूँगा, बाय कर देता हूँ अभी मैं इसको। ये 0.02 मैंने व्यू ऑर्डर ऑर्डर ये आ गया है, दिखा रहा है ठीक है। मैंने 0.02 की क्वांटिटी है ना बाय कर ली है, ये मैंने की है 18.02 पे मैंने बाई की है। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 17.990 का चल रहा है, तो मैं अभी आपको एक बार दिखा देता हूँ कि करंट प्राइस में कहाँ कैसे ये नीचे पोजीशन दिखा रहा है। पोजीशन में मैंने क्लिक किया, अभी ये दिखा रहा है, देखिए करंट प्राइस जो आ रहा है ऊपर ये दिखा रहा है 17.990 ETC USDT का दिखा रहा है, और जो मैंने लिया था 18.020 पे लिया था मैंने, 18.02 मतलब, देखिए 17.990। दोबारा फिर चेक करता हूँ, देखिए यही दिखा रहा है 17.990। मैंने अभी एडिट पे क्लिक किया, एडिट पे क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें कैसे क्या करना है। अगर डायरेक्ट क्लोज कर देते हैं तो वहीं का वहीं हमें प्रॉफिट गेन होता है या लॉस होता है। मैं आपको स्टॉप लॉस लगा के दिखाता हूँ। स्टॉप लॉस पे मैंने क्लिक किया, स्टॉप लॉस का ये रहता है कि जैसे कि मैं अभी जो प्राइस चल रहा था 17.990, अभी 18.10 का चल रहा है। स्टॉप लॉस में क्या रहता है कि जैसे कि हमारे लॉस में जा रहा है, हमने स्टॉप लॉस लगा दिया, स्टॉप लॉस के जो हमने लगाया था कि 17.920 का हमने स्टॉप लॉस लगाया, देखिए दिखा नहीं रहा है, अभी रेंज में आ रहा है, हमें लगाना 17.9 इसके स्टॉप लॉस 17.910 से और भी नीचे लगाना है ठीक। ये तो उसमें क्या रहता है कि हमने इतना लगा दिया, उससे नीचे अगर गिरेगा तो अपना आप ही ये बिक जाएगा। अब प्रॉफिट में क्या होता है कि प्रॉफिट का हमें पता नहीं रहता, ऐसे स्टॉप लॉस का नहीं पता रहता कि लॉस कितना रहेगा। तो 18.113 का मैंने जो है ना प्रॉफिट ले लिया, इतने पे अपना आप ये सेल हो जाएगा। लॉस में है कि इससे नीचे जाएगा ऊपर वाले में तो अपना आप सेल हो जाएगा। तो हम दोनों से ये फ़ायदा कर लेते हैं कि नहीं तो गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है। तो मैंने इसको सेव कर दिया 18.139 का। मैं आपको इसमें प्रॉफिट लेके दिखाऊंगा, मतलब या तो मैं डायरेक्ट क्लोज करूंगा, अभी मैं इसको वैसे डायरेक्ट ही क्लोज कर दूंगा जैसे ऊपर जाएगा, क्योंकि ये टाइम बहुत ले रहा है। देखिए दोबारा एडिट कर सकते हैं, मैंने फिर पॉइंट बढ़ा लिया 18.104, मैंने इसका जो है ना प्रॉफिट लेना चाह रहा हूँ मैं 18.104 ठीक। और मैंने बाय जो किया था 18.120 पे मैंने बाय किया था, अभी इसका करंट प्राइस जो चल रहा है 18.03 चल रहा है, 0.21 का मुझे प्रॉफिट जो है ना दिखा रहा है। अभी मैं इसको डायरेक्ट ही सेल कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। प्राइस जो चल रहा है फिलहाल 18.02 का फिर दोबारा से आ चुका है, एक इधर ग्राफ का दिखा रहा है, इधर एडिट दिखा रहा है, बीच में इधर क्लोज दिखा रहा है। देखिए 18.040 का जो है फिर दोबारा से प्रॉफिट आ गया, 0.020 मेरी क्वांटिटी थी, इसको मैंने डायरेक्ट क्लोज कर दिया, और ये 0.40 का मुझे जो है ना प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे आपको ट्रेड करना है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हिस्ट्री में कुछ नहीं दिखा रहा क्योंकि डेमो अकाउंट था, पेंडिंग ऑर्डर कुछ नहीं है। और इसमें जो और क्या रहता है कि हम सोचते हैं, मैंने एक दूसरा जो था ना ट्रेडिंग वो प्लेटफॉर्म चलाया था, उसमें क्या था कि डेमो अकाउंट में भी लॉस में दिखा रहा था। तो कभी कभी मैं लगता है कि डेमो अकाउंट में ऐसा है कि देखिए अभी मैं होम स्क्रीन पर आया हूँ, होम स्क्रीन पर ये देखिए क्लेम आ रहा है 100 कॉइन क्लेम कर लीजिए, मैंने क्लेम कर लिया है क्योंकि मैंने डेमो ट्रेडिंग की थी, ट्रेडिंग ट्यूटोरियल गो दिखा रहा है अभी भी। खैर अभी फिर लॉस ये लॉस वाले दिखा रहा है। अभी डेमो के बराबर मैं डिपॉजिट वाले ऑप्शन में जाता हूँ, देखिए कैसे कैसे डिपॉजिट होता है इसमें। UPI से होगा, पेटीएम से होगा, पेटीएम वॉलेट से होगा, UPI VIP एक्सक्लूसिव क्या ये, USDT से डायरेक्ट हम 9% डिस्काउंट भी मिलेगा, फोन पे से डायरेक्ट कर सकते हैं, TRX कॉइन से डायरेक्ट हम इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, बिटकॉइन से डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट बिटकॉइन डाल दिए उससे आप ट्रेड कर सकते हैं, बाइनेंस USD से कर सकते हैं, उसमें 9% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ऐसे हम इसमें जो है ना डिपॉजिट कर सकते हैं। अभी मैं एक्टिविटीज़ में जाता हूँ, एक्टिविटीज़ में देखिए आपके कूपन्स वगैरह दिखा रहा है, तो ये सभी है इस ऐप में।